हेलो जी, हाँ जी बोलो भाई मैंने कल भी कॉल की थी, आज भी की थी, सर से बात करने के लिए, अजंता टूर किस बारे एंड में। अच्छा ट्रेवल्स के बिजनेस के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं, जी मैं यूपी से बात कर रहा आपको कुछ एक्सपीरियंस है हजूरा का, आप टूर एंड हूँ। ट्रेवल खोलना चाहते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस है आपको। जी मुझे जी किस टाइप का, मैं करा तो है नहीं, क्या नहीं है, अभी करा तो है नहीं मैंने अभी, मगर आपने एक्सपीरियंस हजूमरा बस किया नहीं है। नहीं, हज उमरा नहीं, मतलब हज उमरा का बिजनेस नहीं किया है ना, तो अभी अच्छा आपने एक्सपीरियंस उमरा कैसे किए होगा। कितनी जी उमरा किया अलहमदुल्ला, बार, उमरा हज भी किया है मैंने, और उसके कब साथ की, उमरे हज भी कब किए किया मैंने था, 2012 में। मतलब 10 साल पहले। अच्छा जी 10 साल पहले उमरा कब किया, उमरा उमरा भी जब ही किए थे, अरे मतलब 12 में आप किए थे। तो कितनी बार गए आप वहां पे, एक सऊदी में एक ही बार जाने गए, ही बार गए। एक ही बार में मतलब हज और उमरा किया है। जी अच्छा 2012 में 10 साल पहले। कितने जी जी पढ़े लिखे आप, क्वालिफिकेशन है मेरी 10+2, 10+2 है। उम्र कितनी है आपकी, मेरी है 30। 30 साल है। ठीक है, जी फिलहाल आप क्या कर रहे हो पैसे कमाने, मैं इलेक्ट्रिक का बिजनेस करता हूँ वैसे, जैसे मतलब क्या इलेक्ट्रिक का बिजनेस, मतलब थोड़ा खुल के मेरे बताओ। पास कई 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 ब्रांड हैं इलेक्ट्रिक में, जैसे हैवेल्स है अपना, क्रॉम्पटन है, वीगार्ड है, एलएनटी है, मैं मतलब आप इन वो कंपनियों रिटेल के में साथ बेचते हो। रिटेल में बेचता हूँ, होलसेल करता हूँ, इसकी प्रोजेक्ट करता हूँ, ये सब करता हूँ, मार्केटिंग से जुड़ा हूँ। जी ठीक है, तो अभी आपको अचानक हजुमरा का बिजनेस करने का क्यों ख्याल आया। थोड़ा सर ये है कि थोड़ा मार्केट भी अभी बहुत, अब कोविड के बाद से वो वाला रहा नहीं, और सबसे बड़ी जो अहम चीज है वो ये है कि अपना एक ये दिल है कि हम इस बिजनेस को करें, और इसमें थोड़ी सी ये रही कि हमेशा लोगों को भेजता रहता हूँ। भेजता रहता हूँ अभी मतलब। मतलब जैसे जो लोग उम्रे के या हज के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें जानकारी लेना होती है तो मुझसे लेते हैं, बात करते हैं, तो मैं इधर उधर टूर से अभी प्रेजेंट में भी 5 लोग मेरे मैंने करवाया था उनका, तो वो लोग अभी वहीं है, अभी मदीना शरीफ में है, जैसे मक्का से मदीना शरीफ गए, तो उनको भी भेजा है, तो लोगों को भेजता रहता हूँ, तो थोड़ा सा जहन में ये आया क्यों नहीं इस बिजनेस को खुद ही स्टार्ट कर लें। जब लोगों को राय देते हैं, मशवरा देते हैं और लोगों का काम करवाते हैं तो अपने आप खुद कर लेते हैं, प्रॉफिट की कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही चाहिए, थोड़ा ये है कि अपना भी जाना रहेगा, और ये फी सभी अल्लाह काम करना अपना बचपन से शौक रहा है, और इसके साथ में थोड़ा अपने सबसे अहम चीज ये है कि खुद जाने को भी मिलेगा। तो अब मामला और मसला जी ऐसा है कि देखिए ये जो काम है ना हज और उमरा पे लेके जाने का, ये जी जी बहुत ही जी नेक काम है, और जी ये जी जी काम में ना बेहतर ये होगा कि जो लोग हज और उमरा पे जाते वो जी जिंदगी जी में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जाते, पहली बार और बिल्कुल आखिरी बिल्कुल बार जाते अक्सर लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी पूरी जीवन भर की कमाई का सेविंग का करके वो जाते, तो ये बिल्कुल बेहतर है कि जो परफेक्ट आदमी है जिसको अच्छे से पता है वो जी उनकी जी खिदमत करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक बात है। बिल्कुल तो और दूसरी बात ये, उसके लिए वहां पे 100 झमेले, लाइसेंस लेना है, वहां पे अरबी आनी चाहिए, होटल बुकिंग करना है, जब वो जी वहां जी से एयरपोर्ट पहुंचे तो फिर वहां से उसको बस करवा के आपको जैसे जिद्दा से आपको मक्का भेजना है, मदीना भेजना है, तो इस जी जी तरीके से एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जो सही एक सही आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है, जो आपको जी जी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहूंगा कि वो आपके बस की बात नहीं है, जितना मुझे जी पता जी चल रहा है आपसे बात करके जी जी ऐसा है। तो बेहतर होगा कि अगर आप जो है वो इसके अंदर ध्यान ना दें, या अगर आपको देना है तो आपको सबसे पहले आप खुद उमरा पे जाएं, फिलहाल अपने पैसे को खर्च करके और जाके देखे। आप 10 साल पहले गए थे तो आपको पता नहीं है, आप जाके देखे कि लोगों की क्या डिमांडे हैं, लोगों की क्या सोच है, और टूर ऑपरेटर खुद फिलहाल क्या क्या सर्विस दे रहे हैं और कितने में सर्विस दे रहे हैं। जितना मैं जानता हूँ टूर ऑपरेटर खुद आज एक पर्सन पे 5-6 हजार रुपए का मार्जिन या उससे भी कम मार्जिन पे चल रहे हैं फिलहाल वो खुद, पता है आपको। फिर तो आप कैसे करोगे, समझदारी की बात नहीं है। आप भले अच्छा है, आपकी सोच है, नेक सोच है, और हमारी अच्छी नियत का सवाब देने का काम तो अल्लाह का है, हम तो अच्छी नियत कर रहे हैं, सही कोशिश सही कर रहे हैं। तो मेरी राय सबसे पहले आपको ये है कि आप पहले खुद उमरा पे जाओ इस जी नजरिए जी से
कि फिलहाल ये चीज में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों की खिदमत की जा रही है, फिलहाल लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितने पैसे लिए जा रहे, सारी चीजें। तो ये आप पहले खुद जाके एक बार देखो। मुझे आपसे जो जानकारी मैं चाह रहा था ना सर, वो ये चाह रहा था कि इसके लिए लाइसेंस वगैरह ये जो काम होते लाइसेंस हैं। वगैरह के लिए जो है ना, आपके पास कम से कम 30-40 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जो लाइसेंस और पेपर वर्क लगेंगे उसमें आपको कुछ डिपॉजिट्स भी देनी है, जैसे आईटा की डिपॉजिट, दूसरी डिपॉजिट। तो आपके पास 40 लाख रुपए का बंदोबस्त होगा इस वक्त? हाँ हो जाएगा क्या मुश्किल तो आप, मेरी राय ऐसी है कि आप ये सब लाइसेंसेस लेने से बेहतर है कि आप किसी लाइसेंस वाली एजेंसी से फ्रेंचाइजी कर लें। वो आपका जो मैंने गूगल पे देखा था जी, तो उससे मुझे लगता है कि आप मुझे कितना समझ रहे हैं, नहीं वो तो मैं नहीं जानता सर, मेरे को पर ऐसे ये है लग रहा है कि कि आप एक अच्छी नीयत के और अच्छे आदमी हैं जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप में उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जिससे आप उनकी खिदमत कर पाओगे। तो बेहतर ऐसा है कि आप जो है ना, वो खुद उसको अपने कंधे पे ना लेके आप किसी और को दे दो जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी हर महीने हजारों लोगों को भेज रहा है, और वो आपको ऐसा कर देगा कि जैसे आपने अगर 30-35 लोगों को जमा कर लिया एक साथ में, ठीक है, तो आपको एक पैकेज फ्री दे देगा वो। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं समझता हूँ 70-80 हजार का अगर एक पैकेज है, तो आपने अगर 30 लोगों को जमा किया तो आपको तकरीबन हर आदमी पे 2-2.5 हजार रुपया मिल रहे हैं, है ना? तो आपका फ्री हो गया। तो आप में अगर और ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको भी खुद की हकीकत पता चल जाएगी कि बोलने में और करने में क्या फर्क है। जैसे आप 30 लोगों को जमा करके बताइए मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम 1 महीने का, आप 1 महीने का टाइम लीजिए, इस 1 महीने में 30 लोगों को जमा कीजिए। सर, तो मैं ये चाह रहा था कि जो ऐसी जो कंपनी होती है ना जो काम करती है, उन्होंने अपने अलग अलग एजेंट बना रखे हैं हर जगह, तो ऐसा कोई मेरा कांटेक्ट हो जाता हाँ, मैं मेरा कांटेक्ट करवा रहा हूँ सिर्फ ना, मैं आपको बंबई की एक सबसे बड़ी कंपनी का कांटेक्ट करवा दूंगा, जो अच्छा अल्लाह अच्छा के फजल से 1 साल में 4 लाख-5 लाख लोगों को उम्रा पे भेजते हैं, ठीक है करवा दूंगा मैं, ठीक है। जी जी लेकिन जी सबसे पहले जी मैं देखना चाहता हूँ आप में, देखो क्या होता है, बच्चे को जब स्कूल में भी एडमिशन देते तो उससे कुछ सवाल पूछते ना कि वो कितना जी काबिल है कि उसको इस स्कूल में रखा जाए या नहीं, वैसे सही ही आप जो है, जो आप दावे कर रहे हैं कि आप अच्छे से भेज पाओगे, तो आप मुझे जी 30 लोग जमा करके दो ना। आप जो है, मैं आपको पैकेज का पूरा जानकारी भेजता हूँ कि उनको क्या जी मिलेगा और कितने में मिलेगा, वो अभी भेज देता हूँ बिल्कुल मैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आप तीस बिल्कुल लोगों को जमा तो करो, आप भले उनसे पैसे मत लो, आप उनको क्या बोलो, भाई आपको फिलहाल कुछ पैसे नहीं देने, आप मेरे पास खाली अपनी गुजारिश दे दिए कि मुझे उम्रा पे जाना है, ठीक है। तो आप उनका नाम लिख के रखो एक डायरी में, नाम और नंबर, कि ये 30 लोग जमा हो गए। फिर आप मुझे बताओ कि मेरे 30 लोग जमा किया, 2-4 लोगों को तो ऐसे ही कोई भी भेज देता है, मैं भी बहुत सारे लोगों को ऐसे ही भेजता हूँ, भाई ये टूर वाले से ले लो, इससे ले लो, उससे ले लो, वो चीज चलाना नहीं होता। समझ रहे तो आप? आप मुझे वो डिटेल अगर मिल जाए मैं तो बेहतर डिटेल अभी रहेगा। आपको भेजता हूँ कि कितने में क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको जी जो भेज रहा हूँ एक नॉर्मल मार्केट रेट भेज रहा हूँ, आप अगर वो जी लोगों को भेज रहे हो तो आपको खुद को कुछ मुनाफा नहीं होने वाला उसमें, जी जी ठीक है। जी जी तो आप जी पहले जी उस रेट में ही लोगों को जरा बताओ तो सही, जो कितने लोग आते हैं आपके पास, जी और आपको बहुत सारी चीजें जो जानना भी जरूरी है कि अकेली औरत को नहीं भेज सकते, पता है ना आपको, महरम चाहिए उसके जी लिए, सर है जी मालूम है ना। और यंग लड़के जी, को भी अकेला नहीं भेजते, ये भी पता है आपको कि नहीं पता है? यंग लड़के को भेजते हैं अकेला। नहीं भेजते यंग लड़के से, मेरा मतलब जो है 40 साल तक, 40 साल तक हाँ, नहीं जा सकता वो अकेला उम्रा पे, उसके साथ कोई होना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसा तो मेरी इसलिए नॉलेज तो में बोल नहीं है रहा सर। हूँ, इसलिए तो बोल रहा तो हूँ, आप हज भी पहले नहीं कर खुद सकते उम्रा फिर, पे जाओ। यंग हज भी नहीं कर सकते। हज का मेरे को कंफर्म नहीं है, उम्रा का मुझे ये कंफर्म है, शायद 40 साल या मैं तो यंग पचास था साल शायद, मेरी तो भाई 12 साल साहब, दस पहले। साल में जमाना बहुत बदल चुका है, लोग जाते हैं वहां पे नौकरी लगा देते, नौकरी पे लग जाते, यंग लड़के जाते उम्रा के बहाने नौकरी पे लग जाते, ऐसा है। जी। तो
तो आपको जो है वो बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए मेरी तो राय है पहले आप खुद अपना पैसा खर्च करो, एक बार उमरा पे जाओ, जी तब आपको पता चलेगा जमाना किधर जी जी है ना। ठीक है भाई। तो आप मुझे डिटेल भेज दें।